देखो इसके अंदर आग निकलने लगी है, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इसके अंदर एक आग निकलने लगी है। भाई ये SMD है क्या, ये मेरी समझ से बाहर है। इसके अंदर इस टाइम पे ये आग निकल रही है। इसके अंदर अगर फर्क वाली बात है तो भाई आप दिमाग हिल जाएगा आपका ये चीज देख के, इतनी सस्ती SMD के अंदर इतनी डिटेलिंग कोई नहीं बताएगा आपको। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। भाई आज की वीडियो बड़ी स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आपके मेरे पास कमेंट आ रहे थे, समीर भाई कोई 2000 के अंदर की कोई SMD दिखाओ और 1500 रुपये से ऊपर की हो। तो भाई आज की वीडियो बड़ी स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आज मेरे पास है 1500 रुपये से लेकर 2000 की SMD। यह है मार्केट का वो ब्रांड जो कि आप किसी भी ब्रांड में SMD खरीदें 99% आपको ये मिलने वाली है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्लाया का ब्रांड। इस कंपनी की मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसको देखते हुए मैं दोबारा से ये दिखाने वाला हूँ इसके अंदर और इसके अंदर क्या फर्क होता है। चलिए आज वीडियो के अंदर डिटेलिंग में बात करेंगे। सबसे पहले तो प्राइसिंग मैंने बताई दिया आपको, 1500 से 2000 के बीच में ये दोनों मिलने वाली है, दोनों का लगभग सेम प्राइस होता है। बाकी क्वालिटी के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे कई भाई 857 DW प्लस वगैरह यूज करते हैं, आप देखते हैं वो कैसी एक्यूरेट चलती है एकदम, उसी टाइप से क्या ये रहने वाली है नहीं रहने वाली वो तो हम देखेंगे। बाकी इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, दोनों को ऑन करेंगे कौन कितनी देर में फूकने वाली है वो हम ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। टाइम को शॉर्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास है ये फ्लाया, जैसे मैंने अभी आपको बताया फ्लाया की मैं SMD आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर अगर बात करें इसको निकालने की बाहर, तो गाइस दोनों SMD मैं ओपन कर चुका हूँ। अब वन बाय वन करके मैं आपको डिटेलिंग बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर डिटेलिंग की बात करें, हैंडल के ऊपर आते हैं, इन दोनों के अंदर हैंडल किस टाइप के दिए हुए हैं ये आपके सामने, ये दोनों के दोनों हैंडल मैं आपको चेक करा रहा हूँ। ये देखो इसके अंदर अगर हैंडल की बात करें तो इसके अंदर इस टाइप का आता है, जैसे 857 DW प्लस में आता है उस टाइप का हैंडल आने वाला है। और अगर इसी तरह से अगर दूसरी SMD की बात करें तो इसमें नॉर्मल SMD का जो हैंडल होता है वो आने वाला है इसके अंदर। और इसके अंदर अगर एलिमेंट के अंदर की बात करें तो इसके अंदर आपको, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कोई भी इसके अंदर वो नहीं दिया हुआ, ग्लास जो होता है ना एक सेफ्टी के लिए, वो इसके अंदर नहीं दिया गया, जबकि इसके अंदर ग्लास की सेफ्टी दी गई है जिससे कि एलिमेंट की हमारी लॉन्ग लाइफ बढ़ जाए। इतनी ही नहीं है बात, आगे की बात करते हैं। चलिए मैं आपको और बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप इसके पाइप की क्वालिटी देख सकते हैं, ये जो पाइप है ये देखो रबड़ किस टाइप की पाइप है। जैसे ही मैं इसको मोड़ता हूँ और जैसे ही छोड़ता हूँ ये बिल्कुल एकदम हमारा सीधा हो जाता है ये पाइप। और इस पाइप की क्वालिटी देखो, जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ और मोड़ता हूँ तो ये वैसा का वैसा ही रह जाता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आपको दिख रही होगी। इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ों का फर्क है इसके अंदर। चलिए क्या फर्क है मैं वन बाय वन करके आपको गिनवा देता हूँ, पहले पॉइंट की अगर बात करें तो 1500 से लेकर 2000 के बीच में दोनों SMD आती है। ये जो SMD है आप किसी भी ब्रांड में खरीद लें, किसी भी ब्रांड में खरीदें इंडिया में 99% आपको यही SMD मिलने वाली है। सिर्फ सामने की तरफ स्टिकर दूसरा होगा या कहीं और दूसरा हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। दूसरी अगर बात करें तो इस SMD की ये होती है रिले बेस और ये होती है इसके अंदर एक छोटा सा दिमाग डाला होता है IC का, वो आपकी ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं अभी SMD ओपन करके दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। SMD ओपन करने से पहले आप कहेंगे कि यार मैं क्या बेकार की बातें कर रहा हूं, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको काम की बात ही दिखाता हूं। दोनों SMD को जीरो एयर पे और फुल हीटिंग पे, मतलब 450 हीटिंग पे ऑन करते हैं, देखते हैं कौन कितनी देर में खराब होने वाली है सही होने वाली है। अगर 5 घंटे भी चलानी पड़ी तो मैं इसको पूरे 5 घंटे चलाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं भाई इनकी नोजल वापस लगा लेता हूं। तो भाई मैंने सबसे पहले SMD ऑन कर ली, आपको अच्छे से यहाँ पर दिख रहा होगा दोनों की दोनों लाइटें जल रही हैं इसके अंदर। और अब इसकी अगर बात करें तो हीटिंग की, तो यहाँ से भाई देखो ये रही इसकी एयर, मैं इसकी एयर कर लेता हूँ जीरो और हीटिंग कर देता हूँ इसकी फुल। और इसी तरह से मैं इसकी एयर कर देता हूँ जीरो और हीटिंग कर देता हूँ फुल। अब देखते हैं कौन कितनी देर तक चल पाती है और नहीं चल पाती, ये आपके सामने। अगर इसकी बात करें, अगर कैमरे की बात करें तो भाई कैमरे में इस टाइम पे दिख रही होगी आपको अच्छे से कौन सी SMD चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है, दोनों की दोनों सेम कंडीशन में चल रही हैं। चलिए देखते हैं कितनी देर ये चल पाती हैं। देखो इसके अंदर आग निकलने लगी है, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इसके अंदर एक आग निकलने लगी है। भाई ये SMD है क्या, ये मेरी समझ से बाहर है। इसके अंदर इस टाइम पे ये आग निकल रही है, तो भाई ये चीज़ देखते हुए भाई ये देखो यार ये हैंडल भी कितना हीट हो गया, ये देख रहे होंगे। थोड़ी मैं लाइट कम करता हूँ तब आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये देखो भाई ये एकदम लाल हो गया है हैंडल, और लाल होने के बाद ये भाई 100% है कि ये फूकने वाली है। इससे पहले ये फूक जाए मैं इसको बंद करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, फूकने ही देते हैं, देखते हैं कितनी देर ये चल पाती है।
तो लो भाई ये वाली SMD धुआं दे रही है हमारी, खूब अच्छे से पता चल रहा होगा आपको ये SMD धुआं दे रही है और लाल हो चुकी है। और ये भी देखो 450 पे मैंने चला रखी है। किसी भाई को अगर यकीन नहीं आए तो ये देखो मैं रेगुलेटर घुमा के दिखा रहा हूँ। और एयर की बात करें तो ये देखो इधर लास्ट में जीरो है, जीरो पे एयर है इसकी, 450 पे दोनों है। और इसी तरह से भाई लो मैं इसको भी चेक करा देता हूँ, जीरो एयर है और ये देखो 450 पे ये चल रही है। और ये देखो भाई इस तरह से ये पूरी की पूरी एकदम खत्म हो चुकी है। ये हैंडल की अगर बात करें तो इस टाइम पे ये हैंडल हो गया हमारा खत्म। तो ये है इसकी खासियत। मैंने आपको बताया था ना 99% अगर आप किसी भी ब्रांड में SMD परचेस करेंगे तो आपको यही मिलने वाली है SMD। और इसी तरह से अगर इसकी बात करें, देखो कई भाई ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि भाई SMD में कोई झोल कर रखा है, झोल नहीं है भाई। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखो SMD अभी भी ऑन है, SMD अभी भी ऑन है। इसके अंदर क्या क्या खासियत रहने वाली है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जैसे कि कई भाई कहते हैं ना कि हमें वो SMD चाहिए जो हमारा कागज ना जलाए या प्लास्टिक पार्ट ना जलाए, तो वही SMD है, वही SMD रहने वाली है इस तरीके से। और इसके अंदर एक खासियत और है, इसकी जो फैन की स्पीड है ना, तब तक ये बंद नहीं होगी तब तक ये अच्छे से ठंडा नहीं होगा। कोई भी SMD अगर आप सस्ती वाली लेते हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम क्या उसके अंदर क्या रहता है, एक टाइमर रहता है। सपोज उन्होंने पहले से 30 सेकंड का या 1 मिनट का टाइम सेट करके उन्होंने दिया होता है, आपकी SMD चाहे 110 पे हीटिंग हो रही हो या आपकी 500 पे हीटिंग हो रही हो, 1 मिनट बाद वो जाके बंद होगी होगी। इसके अंदर ऐसा नहीं रहने वाला है। अगर आपकी 110 पे SMD चल रही है तो कुछ सेकंड में बंद हो जाएगी, कुछ सेकंड के बाद अगर आपकी ज्यादा पे चल रही है तो 1 मिनट के बाद ये बंद होगी। इसके अंदर इंटेलिजेंट सर्किट लगा हुआ है, वो इंटेलिजेंट सर्किट क्या होता है मैं अंदर अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। तो भाई दोनों SMD वाली बात है ना, दोनों SMD मैंने यहाँ से देख लो भाई, दोनों SMD मैंने कर लिए यहाँ से ओपन। इसके अंदर और इसके अंदर क्या फर्क रहने वाला है, चलिए अब फर्क वाली बात है तो मैं आपको पूरी डिटेलिंग में बता देता हूँ। इसके अंदर अगर फर्क वाली बात है तो भाई आप दिमाग हिल जाएगा आपका ये चीज़ देख के कि इतनी सस्ती SMD के अंदर इतनी डिटेलिंग कोई नहीं बताएगा आपको। सबसे पहले तो भाई मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये वाली SMD बताता हूँ। इसके अंदर आपको दिख रही होंगी दो रिले, दिख रही होंगी रिले बेस SMD होती है ये। भाई इसके अंदर जो रिले लगी हुई है वो किस लिए होती है, इसका जो एलिमेंट है ना वो पूरा डायरेक्ट चलता है हमारी बिजली 220 से। और इसका जो रेगुलेटर की अगर बात करें ना, अगर इसकी एयर की बात करें या हीटिंग की बात करें, अगर हीटिंग मैंने 300 पे सेट कर रखी है तो इसकी 300 पे बाहर नहीं निकलने वाली है, इसकी आगे पीछे ज़रूर निकलेगी, ये कन्फर्म है। इतना ही नहीं है भाई, इसके अलावा भाई इसके अंदर जो ये रिले लगी हुई है ये देख सकते हैं कभी भी उड़ जाती है, किसी भी भाई की बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ट्रांसफार्मर वाली बात है तो ट्रांसफार्मर इसके अंदर इस टाइप का ये लगा हुआ है, ये आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, ये इस टाइप का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और फैन वाली बात है तो फैन भी आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, इस टाइप का इसके अंदर फैन लगा हुआ है। और अभी इसके नॉइज वाली बात है, दोनों के अंदर नॉइज कितनी करती है तो एक बारी मैं आपको नॉइज और चेक करा देता हूँ। नॉइज चेक कराने के बाद फिर मैं आगे की डिटेलिंग आपको बताऊंगा। लो भाई मैं तो सोच रहा था आपको चेक कराऊंगा, यहाँ से मैंने लगा दिया इसका प्लग, ये देखो ये रहा, और उसके बाद भी SMD ऑन नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। चलो भाई एक बार प्लग चेंज करके देख लेते हैं, ये रहा प्लग, ये रहा, और इसको लगा दिया मैंने दूसरी जगह पे। दूसरी जगह लगाने के बाद भी ये SMD भाई हमारी ऑन नहीं हो रही है। अब ये क्यों ऑन नहीं हो रही है, ये तो भाई देखो इस SMD को ही पता होगा कि ये क्यों ऑन नहीं हो रही है। चलो नहीं हो रही तो भाड़ में जाए, अपने को क्या, अपने को आपको डिटेलिंग बतानी है, मैं डिटेलिंग बताता हूँ। अब आ जाते हैं हम अपनी इस वाली SMD के ऊपर। ये तो यहीं पर इसने दम तोड़ दिया, इसे तो अर्थी पर रख दो, ये इस काम आने वाली है आपके। इस टाइम पे ये देखो ये फैन चल रहा है, ये रहा इसकी नॉइस कितनी है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल हल्की सी इसके अंदर एक नॉइज आ रही है, ज्यादा नॉइज इसके अंदर बिल्कुल नहीं रहने वाली है। बाकी इसके अलावा भी छोटी छोटी सी डिटेलिंग वाली बात है, चलिए हम डिटेलिंग पे आते हैं। सबसे पहले तो आप इधर की बात करेंगे, इधर आप देख रहे होंगे जो हम अपनी वायरिंग वगैरह कराते हैं इस टाइप का, इन्होंने यहाँ पे पाइप लगा रखा है, ये रहा। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं आपको फ्लायर की दिखा रहा हूँ, इसके अंदर जो पाइप लगा हुआ है एकदम बढ़िया वाला, इसके अंदर पाइप इन्होंने लगा के दे रखा है। इतना ही नहीं है भाई, इसके अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो इस टाइप का इसके अंदर ट्रांसफार्मर दिया है, ये आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, ये रहा। और इस ट्रांसफार्मर के बाद अगर आगे बोर्ड की बात करें तो भाई ये बोर्ड देख सकते हैं आप किस टाइप का है, ये बोर्ड देख सकते हैं आप किस टाइप का बोर्ड है। इसके अंदर बोर्ड के अंदर आपको कोई भी रिले वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आने वाली है, क्योंकि इस बोर्ड के अंदर जो इंटेलिजेंट एक IC लगी हुई है, कहते हैं ना जो क्विक 857DW+ जो चलती है, रिले नहीं होती, IC बेस्ड होती है, प्रोग्राम जो होता है उसका IC के अंदर होता है। इसी तरह से इसकी अगर बात करें तो ये भी जो इसका प्रोग्राम है IC के अंदर है, इसके अंदर कोई रिले वगैरह नहीं है। इसके अगर हीटिंग की बात करें, अगर आपने यहाँ से 350 सेट कर रखा है तो आगे 350 देगी, जैसे क्विक 857 हो या XYZ कोई भी SMD हो, 10-5 ऊपर नीचे होता है तो उसी तरह से इसके अंदर भी रहने वाला है।
इतना ही नहीं है, फैन की तो क्वालिटी है, इस फैन की क्वालिटी और इस फैन की क्वालिटी मैंने आपको बताई दी है कि इस फैन में और इस फैन में क्या चीज़ है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं हम अपना काम पॉइंट पे। लो अब बात करेंगे हम लीड की, बात करेंगे ये वाली SMD देख रहे हैं जो आपको 99% सभी ब्रांड में मिलने वाली है, वो उसकी लीड ये देखो, एक इसकी लीड देखो कितनी मोटी, क्विक 857 में जैसी लीड आती है या 861 में आती है उस टाइप की इसके अंदर मोटी वाली लीड दी गई है कि लॉन्ग लाइफ को देखते हुए। चलिए अब बात करते हैं नोजल की, बात करते हैं नोजल के अंदर भी देखो भाई आपको फर्क नजर आ रहा होगा। इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है ये इसके अंदर अलग से लगा के इसके अंदर एक वेल्ड किया हुआ है, ये वो चीज़ इसके अंदर लगा रखी है। ये जो नोजल है ये आपको सिंगल पीस में आपको मिलने वाली है, ऐसे नहीं कि इसके अंदर अलग से कोई जोड़ वगैरह लगा के इन्होंने लगा रखा हो, इस टाइप से बिल्कुल नहीं रहने वाली, सिंगल पीस में आपको मिलने वाली है। तो ये नोजल इस टाइप से आपको मिलने वाली है। तो भाई ये वीडियो मैं खासकर आपके लिए लेकर आया था, किसी भी भाई को अगर फिर भी ये SMD अगर परचेस करनी है तो मैंने स्क्रीन के ऊपर जो ये नंबर है इस नंबर पे आप बात करके इसको परचेस कर सकते हैं। तो वीडियो में जाते जाते मैं आपको एक चीज फिर बता देता हूँ, 857 DW प्लस जैसा इसका हैंडल होता है, आगे की अगर नोजल की बात करें उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है मैंने बताई दी है। 450 पे से कंटिन्यू करके 8 घंटे भी रखोगे तो बिल्कुल भी फूकने वाली नहीं है, जैसे इसको देखा मैंने 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर ये फूक गई है और इसके अंदर से आग भी निकल रही थी, इतनी डेंजर है ये। तो भाई अगर आपको उसकी तरह से चलने वाली SMD चाहिए तो आप इसके ऊपर अभी फिलहाल जा सकते हैं, जब आपका बजट होगा तो 857 भी आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप चाह रहे हैं कि यार मेरे पास 1500 से 2000 के बीच का बजट है तो उसके अंदर कोई अच्छी SMD लेना चाहूँ तो भाई आप ये वाली SMD लीजिए, मज़ा आ जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो भाई फिर से लाइक कर दो, शेयर कर दो, मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।